का प्रारब्ध रह जाता है या नहीं रहता है, क्योंकि कहीं पर एक प्रसन्न नहीं रहता है और कहीं कहीं हमारे स्वामी खन्ना जी कहते नहीं रहता है, तो इस तरह की बैठ स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। गीता का दूसरा अध्याय। स्थित्वा स्यामंत काले पी अपि पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, जैसे देवहूति का वर्णन है भागवत में, प्रारब्ध जिसका कुछ समय का शेष रह गया हो शरीर में रहने का, और दैव योग से शरीर छोड़ने के पहले ही उसको तत्व ज्ञान का योग मिले, जैसे देवहूति को परीक्षित को, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमम पदम, सुखदेव जी ने महावाक्य का उपदेश किया, उसके अर्थ का अधिगम हुआ और वो सातवां दिन हो रहा था तक्षक चंडसा। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं देहत्याग के कुछ क्षण पहले ही तत्व ज्ञान हो गया, प्रारब्ध नष्ट होने वाला है, जिस कर्म के फलस्वरूप जो शरीर मिला है वो शरीर नष्ट होने का समय हो गया, मुर्दा होने का, सब होने का, और दैव योग से तत्व ज्ञान का भी वही मुहूर्त है। ऐसे व्यक्ति तत्व ज्ञान के बाद ही शरीर छोड़ देते हैं, एक प्रक्रिया यह है। दूसरी बात है, वामदेव जी को माँ के घर में ही ज्ञान हो गया, पूर्व शरीर में उन्होंने गुरुओं से तत्व का उपदेश प्राप्त किया था, प्रतिबंधक प्रारब्ध के कारण उसी शरीर में तत्वबोध नहीं हो सका, तो माँ के घर में उनको तत्व उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, घर में हो गया, उसके बाद घर में रहे, बाद में जन्म हुआ, जितनी आयु थी उतने समय तक रहे। हाँ, ये जो कौल संप्रदाय है अभिनव गुप्त जी का, कश्मीरी शैव, उन लोगों के यहाँ एक ऐसे शक्तिपात की दीक्षा का भी वर्णन है, गुरु चाहें तो उस शक्तिपात के द्वारा प्रारब्ध को थोड़ी देर में ही नष्ट कर सकते हैं, वो शक्तिपात की विशेष दीक्षा। तो हमने तीन ढंग से उत्तर दिया, कौल संप्रदाय, शक्तिपात की दीक्षा, जैसे भैरवी यात्रा होती है कहाँ पर, काशी में, काशी में रह करके जो पाप करता है और काशी में शरीर छूट जाता है, उसको उस पाप के फलस्वरूप भैरवी यातना की प्राप्ति होती है। तो भैरव जी क्या करते हैं, विकराल रूप धारण करके, जो वर्षों तक नरक भोग सकता था, इतनी यातना देते हैं कि 10-15 मिनट में ही वो यातना पूरी हो जाती। तो भैरवी यातना का जो प्रक्रम है शास्त्रों में, वो भी ऐसा है कि वो दीर्घ काल तक चलने वाला जो प्रारब्ध मूलक कष्ट है, थोड़े समय ही अपार कष्ट की प्राप्ति हो जाए और दुरित नष्ट हो जाए। वैसे तत्व ज्ञान के बाद भी शरीर रहता है, क्योंकि उपनिषदों में लिखा है, लक्ष्य को स्थिर किया, बाण छोड़ दिया या बंदूक की गोली छोड़ दी, अब अपने हाथ में नहीं है, वो लगना ही लगना है। ऐसे ही जो कर्म फल देना प्रारंभ कर चुका है, उसी के अंतर्गत तो तत्व ज्ञान भी है ना। शुभ कर्म न होता है तो इसी शरीर में तत्व ज्ञान क्यों होता, प्रारब्ध के अधीन ही तत्व ज्ञान भी हो गया, अन्य भोग भी हैं, तत्व ज्ञान के बाद भी शरीर रह सकता है। तत्व की दृष्टि में आत्मा कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है तो कर्म भी नहीं हुआ, कर्म विशेष का नाम ही प्रारब्ध है, तत्वतः प्रारब्ध का क्षय है, व्यवहारतः प्रारब्ध फल देता है। लेकिन मैंने दो तीन प्रकार बताया, जिसके प्रारब्ध का नाश होने वाला है और दैव योग से तत्व ज्ञान का योग भी वही है, 2-4 मिनट पहले 10 मिनट पहले देवहूति का उदाहरण दिया, परीक्षित का उदाहरण दिया, तो उन लोगों का ज्ञान हुआ नहीं, शरीर छूटा, एक शक्तिपात की दीक्षा है। पूज्य गुरुदेव से हमने ये कश्मीरी शैव दर्शन भी पढ़ा है, तंत्रालोक, धर्म सम्राट पूज्य गुरुदेव
से मुसल गांव कर जी पढ़ते थे गजानन जी, तो मैं भी बैठता था उसमें। एक ऐसी दीक्षा का वर्णन है, गुरु चाहे तो शिष्य को उस दीक्षा के द्वारा जो प्रारब्ध है झटपट उसका भोग करा सकता है। तो कई ढंग से हमने उत्तर दिया।